जिंदा रहना है तो पैसे दो। वो गैंगस्टर जिसके फोन से कांपने लगते थे सलमान से लेकर शाहरुख खान तक। 90 के दशक में जहां एक और बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के सितारे आसमान छू रहे थे, वहीं अंडरवर्ल्ड की फल फूल रहा था दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, अबू सलेम से लेकर छोटा राजन तक अपनी धमक बढ़ा रहे थे। इसी दौर में एक और नाम उभर कर सामने आया, रवि पुजारी का, जो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का मसीहा कहा जाता था, ये डॉन कहा जाता था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दोनों का ही गहरा नाता है। 90 के दशक में जहां एक और बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के सितारे आसमान छू रहे थे, तो वहीं समुन्द्र की गहराइयों में अंडरवर्ल्ड भी फल फूल रहा था। ये वह दौर था जब देश 1993 के बम धमाकों से सहर उठा था। दाऊद इब्राहिम हर किसी के जुबान पर था। अबू सलीम से लेकर छोटा राजन तक दाऊद के गुर्गे अपनी धमक बढ़ा रहे थे। सिनेमा की दुनिया के करोड़ों के कारोबार पर अंडरवर्ल्ड की नजर थी। इन सरगनाओं की यही चाहत थी कि फिल्मी दुनिया को अपने तमंचे पर डिस्को करवाए। इसी दौर में एक और नाम उभर कर सामने आया, रवि पुजारी का। जी हाँ, रवि पुजारी के खिलाफ 200 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या से लेकर उगाही और हत्या की धमकी देने जैसे कई संगीन मामले हैं। रवि पुजारी की सबसे अधिक चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि उसने एक्सट्रैक्शन यानी कि धमकी देकर वसूली करने के काम को प्रोफेशनल रूप दे दिया। रंगदारी मांगने के लिए रवि पुजारी ने बॉलीवुड को टारगेट किया। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, राकेश रोशन, अनिल कपूर, बोनी कपूर और यहां तक कि अरिजीत सिंह, रवि पुजारी ने किसी को नहीं बख्शा। 2009 से लेकर 2013 तक ये 5 साल ऐसे थे जब सेलिब्रिटीज के घर में देर रात फोन की घंटी बजती तो सभी के कान खड़े हो जाते थे। उधर से आवाज आती कि मैं रवि पुजारी बोल रहा हूँ, जिंदा रहना है तो पैसे दो। रवि पुजारी के निशाने पर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं था, उसने और उसके गुर्गों ने कई नेताओं और सोशल एक्टिविस्ट को भी धमकी दी और रंगदारी मांगी। अपराध की दुनिया में रवि पुजारी ने 1980 के दशक में कदम रखा था। वह कभी दाऊद के खास माने जाने वाले छोटा राजन का शार्प शूटर था, सुपारी लेकर हत्या करता था। वह समय था जब गुरु सट्टाम और रोहित वर्मा के साथ रवि पुजारी गैंगस्टर छोटा राजन का सबसे करीबी था। लेकिन समझा जाता है कि रोहित वर्मा से छोटा राजन की नजदीकी रवि पुजारी को गुरु सट्टाम को खटकने लगी थी। समय था 1992 का। 1992 में बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में रोहित वर्मा मारा गया। ठीक एक साल बाद 1993 मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम आया। पुलिस ने मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की ठानी। दाऊद इब्राहिम मुंबई भाग गया और यहीं से छोटा राजन और दाऊद के रास्ते अलग हो गए। रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर बैंकॉक चला गया और वहां उसने अपना अलग गैंग बनाया। बैंकॉक में रहते हुए रवि पुजारी ने बाकी सारे धंधे छोड़ दिए। एक्सटर्शन यानी कि रंगदारी को भी अपना धंधा बना लिया। फिरौती मांगने और उगाही के धंधे को उसने नया रूप दिया। रवि पुजारी ने सबसे पहले मुंबई के बिल्डर लॉवी को टारगेट किया, फिर बॉलीवुड और उसके बाद नेताओं को। रवि पुजारी और उसके गुर्गों को इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सारा काम फोन से ही चलता था। वे लोग इसके लिए इंटरनेट की VOIP टेक्नोलॉजी की मदद लेते थे। इंटरनेट से ही फोन करते, धमकाते और पैसे मांगता, बदले में अंडरवर्ल्ड से सुरक्षा की गारंटी। रवि पुजारी के रंगदारी का धन था तब ज्यादा चर्चा में आया जब उसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फोन करना शुरू कर दिया। सलमान खान, शाहरुख खान, रितेश देशमुख, महेश भट्ट, संजय कपूर, बोनी कपूर, करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर, प्रीति जिंटा के पूर्व बॉयफ्रेंड निस वॉडिया, करण जौहर, विवेक ओबराय, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और यहां तक कि यश चोपड़ा को भी रवि पुजारी और उसके लोगों ने धमकी दी। शाहरुख खान को तो बिजनेस पार्टनर करीम मोरानी का नाम लेकर भी धमकाया गया। ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था कि पुलिस कुछ भी करते बस रवि पुजारी तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन इंटरनेट कॉलिंग की वजह से इसके ठिकाने को ट्रेस करना मुश्किल था। रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने बड़बोलेपन के लिए बदनाम रहा। उसे सुर्खियों में रहने का बड़ा शौक भी था, इसीलिए अक्सर टीवी इंटरव्यू या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन के जरिए
कुछ न कुछ करता रहता था। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा कि वह दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत ला सकता है। कहीं कोई भी अपराध हो, रवि पुजारी सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन जब उसका मखौल उड़ने लगा तो उसने कई मशहूर हस्तियों पर छोटे मोटे हमले भी करवाए। साल 2004 था, रवि पुजारी ने मुंबई के दीपा बार में हमला करवाया। 2005 में उसने वकील माजिद मेमन पर हमला करवाया। जाहिर तौर पर वह समझा जा गया था कि भले ही रवि पुजारी सुर्खियों में रहना चाहता है, लेकिन वह कभी भी किसी अपराध को अंजाम दे सकता है। साल 2019 तारीख 21 जनवरी रवि पुजारी को पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में एक नाई की दुकान में गिरफ्तार किया गया। रवि पुजारी सेनेगल में एंटोनो फार्दनिश के नाम से रह रहा था। उसके पास बुर्किना फासो का पासपोर्ट था जो 10 जुलाई 2013 को जारी किया गया था। यह पासपोर्ट 8 जुलाई 2023 तक वैध है। पासपोर्ट के हिसाब से वो सेनेगल में एक कमर्शियल एजेंट है। अभी मुंबई पुलिस उसके प्रत्यर्पण की तैयारी कर रही थी कि उसे सेनेगल में जमानत मिल गई और यह लापता हो गया। इसके बाद फरवरी 2020 में साउथ अफ्रीकन सेनेगल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। भारत की तरफ से कर्नाटक पुलिस और रॉ अफसर सेनेगल में उसकी प्रत्यर्पण की तैयारी में जुट गए। उसे उसी महीने गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। सबसे ज्यादा केस कर्नाटक में होने की वजह से रवि पुजारी की कस्टडी कर्नाटक पुलिस को मिली। इसी साल फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने रवि पुजारी को साल 2016 में गजाली होटल फायरिंग केस में अपनी गिरफ्त में लिया। रवि पुजारी के बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ मकोका लगाया था। मकोका कोर्ट ने रवि पुजारी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। रवि पुजारी के खिलाफ 98 आपराधिक मामले पेंडिंग है, इनमें 10 मामले गंभीर हैं। साल 2019 में भी गुजरात में विधायक जिग्नेश मेवाड़ी से शिकायत दर्ज करवाई थी कि रवि पुजारी नाम का आदमी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। केरल के विधायक पीसी जॉर्ज ने कहा था कि रवि पुजारी ने उनके बेटे को मारने की धमकी दी थी। दिलचस्प बात तो यह रही कि रवि पुजारी पश्चिमी अफ्रीका में अपनी समाज सेवा के लिए चर्चित रहा। वह वहाँ नमस्ते इंडिया नाम से एक रेस्टोरेंट चेन चलाता है। इस चेन के 9 आउटलेट्स हैं। इसके अलावा उसने सेनेगल के उन ग्रामीण इलाकों में पीने के लिए साफ पानी की भी व्यवस्था की जहां जल संकट था। स्थानीय अखबारों में इसके अलावा रवि पुजारी के दान पुण्य की कई और खबरें भी छप चुकी हैं।